नाम है भैया आपका? हिमांशु सिंह नाम है जी। हिमांशु जी, ये जो घटना हुई है, कौन है आपकी और क्या है पूरा मामला? ये हमारी मामी जी हैं और ये सुबह लगभग वही 10:15 के आसपास सहारा स्टेट घर से निकली है बाहर फूल लेने के लिए। रास्ते में इन्हें कुछ अज्ञात व्यक्ति मिले जो कि उनसे पता पूछने के बहाने उनसे पूछे कि आपके कितने परिवार है, क्या है, कैसे हैं, कहाँ रहते हैं। तो उन्होंने बताया तो उन्होंने कहा आपका लड़का जो दिल्ली में है उसका आज एक्सीडेंट हो जाएगा, वो मर जाएगा, नहीं तो आपको पूछा। इनको भ्रमित किया और हिप्नोटाइज किया। उसके बाद ये बताया कि जाओ अपने घर से जितना भी जेवर है, गहना है, पैसा है, सब लेके आओ और हमको लाके दो, हमको पूजा पाठ करते हैं, सब तुम्हारे घर में सही हो जाएगा। उसके बाद ये अपने घर गई, सब उठा के लेके आई और उसको दे दिया और उसने कहा कि कुछ देर के लिए अपनी आँखें आप बंद करिए, हमको पूजा पाठ कर रहे हैं। इन्होंने अपनी आँखें बंद की, उसने कुछ पूजा पाठ करके कुछ इनको जो है हिप्नोटाइज करके सम्मोहित करके और वो वहाँ से जाए गए। भैया कितना कैश रहा होगा और ज्वेलरी जो थी वो कितने की थी और क्या थी? लगभग 50 से 60 हज़ार रुपये कैश था और ज्वेलरी में 3-4 चेन थी, मंगलसूत्र था, 3 अंगूठियाँ थी और एक कान की बाली थी। लगभग 5 से 6 लाख रुपये की ज्वेलरी थी और 50 से 60 हज़ार रुपये लगभग नगद। अच्छा, क्या उसमें कोई CCTV फुटेज सामने आया है जिसमें वो देखा जा सकता? CCTV फुटेज सहारा स्टेट गेट के जो कैमरा लगा हुआ है वो सामने कैमरे में आ रहा है कि वो व्यक्ति नज़र आ रहा है लेकिन उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा है। वो गेट के अंदर मामी के साथ में आ रहा है और लेकिन उसका चेहरा साफ नज़र नहीं आ रहा है।